देखा है, वी कैन रिलेशंस की फादर डॉटर का रिलेशन, देन फादर मदर का रिलेशन, देन यू कैन से कि सन एंड मदर का रिलेशन. इन द सेम वे हम मैथ्स में भी रिलेशंस लेके चलते हैं, लाइक यू वुड हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स इन योर जूनियर क्लासेस ऑल्सो. टू इज लेस देन थ्री, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड थ्री, कि टू जो है दैट इज लेस देन थ्री. तो मैथ्स में जब हम सेट्स की बात करते हैं, इन द सेम वे हम सेट्स में भी जो है रिलेशंस लेके चल सकते हैं. लाइक लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई दो कलर्स अवेलेबल हैं, रेड एंड ब्लू, और थ्री ऑब्जेक्ट्स वी आर हैविंग, O1, O2 एंड O3. ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमने इन दो कलर्स से कलर करने हैं. अब रेड कलर जो है वो हम पेंट कर सकते हैं O1 पे, O2 पे, O3 पे. सेम वे में ब्लू कलर जो है दैट कैन बी पेंटेड ऑन O1, O2, O3. तो इनको अगर हम सेट की फॉर्म में रिलेट करना चाहें तो दिस कैन बी कि रेड कलर हम कर रहे हैं O1 पे, एक सेट ये बन सकता है आपका. रेड कलर कर रहे हैं हम O2 पे, एक आपका ये सेट बन सकता है. देन रेड O3 पे, देन ब्लू कलर ऑन ऑब्जेक्ट 1, ब्लू कलर ऑन ऑब्जेक्ट 2, एंड इन द सेम वे ब्लू कलर ऑन ऑब्जेक्ट 3. तो अब ये हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया कि ऑब्जेक्ट 1 पे कलर कौन सा होगा, रेड, अगर हमने ये वाला सेट लिया. अगर हमने ये वाला सेट लिया इट मींस ऑब्जेक्ट 2 पे कलर विल बी रेड, ऑब्जेक्ट 3 पे कलर विल बी रेड, ऑब्जेक्ट 1 पे कलर विल बी ब्लू, एंड सो ऑन. तो ये चीज जो है हमने एस्टेब्लिश कर दी कि ये चीज आपकी हो रही है. तो दिस इज अ रिलेशन. सेट्स में जब हमने रिलेशंस लेके चलने हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट. मेन आपका यहीं से शुरू है. मान लो मुझे एक सेट गिवन है A1, 2, और सेट B गिवन है A, B, C. ये दो सेट्स मुझे गिवन है, A12, BABC. अब मुझे निकालना है इनका प्रोडक्ट A×B. ठीक है, इस प्रोडक्ट को जो ये मैंने लिया है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट A×B. ये क्रॉस सिंबल है, इट मींस कि इनके एलिमेंट्स को हम रिलेट करके लिख देंगे. जो भी इनके एलिमेंट्स हम रिलेट करके लिखेंगे, यानी कि जो भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, फिर उसमें से जो रिलेशंस हैं हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक दिस इज इक्वल टू 1, A. इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे, इसके हर एलिमेंट के साथ लिख दोगे. सेकेंड एलिमेंट उठाओगे, हर एलिमेंट के साथ लिख दोगे. सेम वे में अगर यहाँ थर्ड एलिमेंट होता, थर्ड उठा के हर एलिमेंट के साथ लिख देते. तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 1, 2, 1, A. अब 1 को इसी तरीके से B और C के साथ ले लो. सेम वे में 2 के साथ ले लो. अब यहाँ ये ध्यान दो, इसके लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे दैट वर 2, इसके लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे दैट वर 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A×B विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, दैट इज 6. यहाँ पे इसके 2 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, 2 3s are 6. तो इसके कितने एलिमेंट्स बन गए, 6. मान लो यहाँ पे 1, 2, 3 होता तो 9 हो जाने थे. 3 के साथ आपने A, 3 के साथ B, 3 के साथ C ले लेना. गॉट इट? सो ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इसके बाद इसी से जो है हम कई और रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. रिलेशन हमने लेना है फ्रॉम सेट A to B. रिलेशन को R से डिनोट करते हैं. सेट A to B का मतलब क्या है, सेट A पहले है, सेट B बाद में. अगर यही मैं ऐसे लिख लूं, रिलेशन है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A, तो इसका मतलब जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले लिखे जाएंगे, जो ए वाले एलिमेंट्स हैं वो बाद में लिखे जाएंगे. रिलेशन फ्रॉम A to B जो है वो A×B का एक सबसेट होगा. रिलेशन फ्रॉम B to A जो है वो B×A का
सबसेट होगा। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहां अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू ए वन ए टू, बी वन बी वन, दिस इज बी टू, नेक्स्ट सी वन सी टू। तो बी क्रॉस ए आपका ये बन जाएगा। बी क्रॉस ए में बी वाले एलिमेंट्स आपके पहले आएंगे, ठीक है, और ए क्रॉस बी में आपके ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पहले आएंगे। नो डाउट कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री हैं, तो टोटल जो आपके रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी सिक्स, टू थ्री आर सिक्स। थ्री और थ्री होते तो थ्री थ्री आर नाइन हो जाने थे क्रॉस प्रोडक्ट में, फोर और थ्री होते तो फोर थ्री आर ट्वेल्व हो जाने थे। इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लोगे दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब हम सबसेट्स उठाते हैं तो उनसे क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कि जो ये होगा वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है या फिर उसका सबसेट होगा। क्लियर? ये वाला ये कैसे रीड किया जाएगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब इसमें आगे जो हमने कंडीशन दी है, मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट मैंने दे दिया कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वन, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वन, तो उसमें आपके ये और ये तीन जो है वो सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि ये रिलेशन जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन ए वन बी एंड वन सी के। ठीक है, यहां मैंने ले लिया कि बी टू ए लिया सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट शुड बी बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी वन बी टू, यहाँ दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं वन ए वन बी वन सी, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, यहाँ पे आपके सिक्स एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसके जो थ्री एलिमेंट्स हैं ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इस वाले में हैं, यानी कि ये उसका एक सबसेट बन गया। सबसेट में क्या होता है, हम जो है कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं या सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ये थ्री एलिमेंट्स लिए उनका एक सेट बना दिया, तो वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे बी वन और बी टू, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स लेके हमने सबसेट बनाया, तो आर जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। रिलेशन जो भी आपका होता है वो हमेशा जिस सेट से आप लेके चलते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ मैंने लिया बी टू ए, तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। जो ये रिलेशन वाला सेट बनेगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, आ गया समझिए, यही मेन है, इसी पे बेस्ड आगे आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी कर दो। अगर सेट ए या बी, मैं ए क्रॉस बी निकाल रही हूँ मान लो, इनमें से एक सेट आपका एम्प्टी सेट है, तो जो आपका रिलेशन आएगा फ्रॉम ए टू बी वो भी क्या आएगा, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप कह सकते हो, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट। उसके बाद है इसी के बेसिस पे, अब जो ये हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। अब ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड एलिमेंट बनेंगे। ये जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको एक्स कॉमा वाई, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। X जो है that will belong to the first set Cartesian product के, Y जो है that will belong to the second element of the second set of the Cartesian product. इसको हम first element बोलते हैं, इसको हम second element बोलते हैं। So this is the ordered pair. उसके बाद two ordered pairs will be equal. मान लो मेरे पास अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। नाउ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए सी के इक्वल है
और बी डी के इक्वल है। क्लियर? उसके बाद ए और बी अगर आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए और बी में से जो है दोनों में से कोई या दोनों के दोनों जो हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट्स हो सकते हैं। एक जो है इनफाइनाइट सेट के साथ भी आप उसको ले सकते हो, वो डैश 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 करके आ जाएगा आपका। देन थ्री का अगर हमें लेना है ए क्रॉस ए, अच्छा उससे पहले ए क्रॉस ए देख लो। जब हम एक सेट का उसी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इसको जब हम लिखते हैं तो R इज अ रिलेशन इन सेट A लिखा जाता है। R इज अ रिलेशन इन सेट A। इन सेट A का मतलब A टू A लेके चलते हैं। सेम सेट का हम सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और अगर हम डिफरेंट सेट्स के साथ लेते हैं तो R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट बी, फ्रॉम ए टू बी इन सेट ए अगर सेम के साथ लेके चलते हो। सेम सेट के साथ है मीन्स आप ए क्रॉस ए निकाल रहे हो। लेट अस सपोज कि सेट ए मेरा 1, 2 है तो ए क्रॉस ए इट विल बी हैविंग 2, 2s are 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा इस 1 को इन दोनों के साथ लोगे क्या आएगा? बन गए एलिमेंट्स, नो रेपिटेशन, ठीक है? तो ये आपका क्या बन गया, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए को मुझे फिर से ए के साथ लेके चलना है, प्रोडक्ट लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इट मींस 1, 1, 1, 2 2, 1, 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1, 2 के साथ। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है 1, 2 के साथ। तो हाउ विल यू टेक फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 लोगे 1 के साथ क्या आ जाएगा 1, 1, 1। 1, 1 लोगे 2 के साथ क्या आ जाएगा 1, 1, 2। नेक्स्ट एलिमेंट 1, 2, 1। नेक्स्ट 1, 2, 2। नेक्स्ट 2, 1, 1। 2, 1, 2। नेक्स्ट 2, 2, 1। ओवर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, ए में 2 थे, तो कितने हो गए 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज द ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये वैसे इस बार के लिए सिलेबस में डिलीटेड है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए हाउ यू आर टू कैलकुलेट। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ अपनी। यहाँ पे इसमें जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता था, जब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए तो दिस विल बी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। 3 एलिमेंट्स हैं तो ट्रिपलेट ये कहलाएगा आपका। एक चीज और कि जैसे रिलेशन लिया मैंने फ्रॉम सेट ए टू बी, और उसमें मान लो जैसे यही हम ले रहे हैं ए टू बी, 1A, 1B, 1C, सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स लेट अस सपोज हमारे बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो आपका एलिमेंट है दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, यानी कि 1 बिलोंग्स टू A और जो आपके ए बी सी हैं दीज बिलोंग टू सेट बी। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको ये गिवन होगा और एलिमेंट्स ऑफ सेट आपको निकालने होंगे। तो अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि सेट ए में एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो 1, 3s are इसके हमारे पास एलिमेंट्स बन रहे थे 3, ठीक है? अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स बाई 3+1 एंड वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई।
अब यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो गिवन है वो इक्वल गिवन है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो हमें इक्वल गिवन है। तो आप क्या करोगे, x वाले को x के इक्वेट कर दो, y वाले को y के इक्वेट कर दो, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दिस इज x बाय 3 प्लस 1, एंड y माइनस 2 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, 1 बाय 3। नेक्स्ट वीक यू विल बी हैविंग योर टेस्ट ऑफ सेट्स, दैट विल बी इन एमसीक्यू फॉर्म, तो उसकी थ्योरी वगैरह सारे अच्छे से कर लेना। Now since the ordered pairs are equal, so the corresponding elements will be equal. First element will be equal to first element, second element will be equal to second element. So x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. Kya aega? X ki value simplify karke. X is equal to 2. और y 1, y is equal to ये आ जाएगा 1 by 3 plus 2 by 3, that is 3 by 3, that is 1. So this is your answer. Set A, second question, set A has 3 elements and set B is 3, 4, 5. Then find the number of elements in A cross B. ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 3 इज 9। अब सेट जी गिवन है 7 8, थर्ड क्वेश्चन, सेट एच हमें गिवन है 5 4 2, we are to find the cross product g cross h, cartesian product, and h cross g. So yahan pe 2 elements hain, 3 elements hain, total number of elements kitne ho jayenge, 6. kya banega first wala, g wale elements pehle loge, unko har element of h ke sath likhoge, then iska second element har is ke sath likha jayega, and you will get your result. pehle sabse kya hai 7, 7 ko 5 ke sath likh do, फिर 7 को 4 के साथ लिख दो, देन 7 को 2 के साथ लिख दो, नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, 8 को भी इसी तरीके से सबके साथ लिख दो, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट 8 5, 8 4, 8 2। पूरा समझ आ गया बच्चे ये? अब h क्रॉस g लेने, तो h वाले एलिमेंट्स आप पहले लोगे, g वाले एलिमेंट्स बाद में लोगे। h में पहले क्या है 5, 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ, ठीक है, फिर 4, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, फिर 2, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में उसको लिखते हो, जो आपका सेट पहले होता है उसके एलिमेंट्स पहले, जो सेट बाद में है उसके एलिमेंट्स बाद में। तो एच क्रॉस जी आ गया हमारे पास 5 7 5 8 4 7 4 8, and the third one is 2 7 2 8. So this is your H cross G. Now the next question number 4, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, then rewrite the given statement correctly. हमें P given है, Q given है, P cross Q हमें बताना। Question number 4, P is given to be MN, or Q given hai NM. We are to find P cross Q. अब सबसे पहले तो यहीं से हमें पता लग गया कि number of elements in P 2 है, number of elements in Q भी 2 है, तो number of elements in P cross Q should be 2 2s are 4. तो यहाँ पे उसने हमें कितने दिए हुए हैं,
टू एलिमेंट्स दिए हैं तो इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और आप इसको करेक्ट करके लिख दोगे P क्रॉस Q है तो P वाले एलिमेंट्स आपके पहले आएंगे, M N, M M, then N N, N M. So this is the correct statement. Second, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. आपको गिवन है यहाँ पे जो A और B हैं ये non-empty sets हैं, तो A cross B जो है वो non-empty set है अगर, तो in the ordered pair x comma y, तो x A को belong करेगा, y B को belong करेगा. Is it true or false? True. क्यों? क्योंकि जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले को बिलोंग करता है. तो इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई और रिलेशन जो है हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, तो एक्स ए को बिलोंग करेगा और जो वाई है वो बी को बिलोंग करेगा. ए क्रॉस बी है और इसका एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है. ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है, एक्स पहले आ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए and y belongs to b. यही condition उसने हमें दी हुई है, तो this is true. उसके बाद if a is equal to 1, 2, b is equal to 3, 4, then a cross b intersection 5 is equal to 5. क्यों? देखो b intersection 5 क्या आएगा? That will be again empty set, common elements लेते हैं intersection में, और 5 के साथ empty set के साथ जब भी आप किसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज अगेन एन एम्प्टी सेट. सो दिस इज ट्रू. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. वैसे ये जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स डिलीटेड है बट एक ही क्वेश्चन है इसका, तो यू कैन डू. पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, क्या आएगा बताओ एलिमेंट्स इसके. -1, -1, -1, 1, वेरी गुड. हाँ जी, 1, -1, 1, 1. सो ये 4 आ गए एलिमेंट्स. अब इसका फिर से हमने प्रोडक्ट ए के साथ लेना है. Now this is written in the form of x, y, z. क्या आएगा? -1, -1 को पहले -1 के साथ लो, फिर +1 के साथ ले लो. अब -1, 1 को ऐसे ले लो. उसके बाद 1, -1 को ले लो. And then 1, 1 को ले. So total 4 into 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स आपके, 8 ordered pairs जो है वो बनेंगे. Next question number 6. If A cross B is equal to AX, AY, BX, BY, find A and B. A cross B अब आपको गिवन है और आपको ए और बी जो है सेट्स वो निकालने हैं. ये हो गया था नोट डाउन. वी आर हैविंग सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. दिस इज ए एक्स ए वाई BX and BY. अब मुझे A और सेट B जो है ये फाइंड आउट करने हैं. एंड यू नो दैट जो आप सेट्स लेके चलते हो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, सेकेंड वाले एलिमेंट्स सेकेंड सेट को बिलोंग करते हैं. तो सेट A के एलिमेंट्स क्या आएंगे? A, B. एंड व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट B?
एक्स कॉमा वाई, फोर एलिमेंट से दोनों में टू टू आ जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, ए वन टू, बी वन टू थ्री फोर, सी फाइव सिक्स, डी फाइव सिक्स सेवन एट। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, उसके लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमने। ए सेट हमें गिवन है वन टू, सेट बी गिवन है वन टू थ्री फोर, सी गिवन है फाइव सिक्स और सेट डी गिवन है फाइव सिक्स सेवन एट। सो वी आर टू वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, this is equal to a cross b intersection b cross a cross c. so left hand side le lo, right hand side le lo, inko alag alag simplify kar lo and you will get your answer. pehle b intersection c le lo, a hai hamare paas 1 2, iska humne cartesian product lena hai with b intersection c. b set hamara kya hai 1 2 3 4, c kya hai 5 6, तो इंटरसेक्शन 5। अब 1, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे 5 के साथ तो दैट विल बी 5। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जब आप एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 एंड 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने विद ए क्रॉस सी इन दोनों के साथ। सो दिस इज 1 5, 1 6 देन 2 5, 2 6। अब इनमें देखो कोई एलिमेंट आपका कॉमन है, नो no. तो इंटरसेक्शन इसका भी क्या आ जाएगा, 5। तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये हमने ए क्रॉस सी निकाला हुआ है, अब हमें बी क्रॉस डी निकालना है और चेक करना है कि क्या ये उसका सबसेट है या नहीं। बी और डी टोटल 16 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बनेंगे, तो बी क्रॉस डी निकाल लो। यहां लिख रही हूं मैं ऊपर, दिस इज 1 5, 1 6, 1 7, 1 8। Then 2 5, 2 6, 2 7, 2 8. Three five, three six, three seven. And last में 4 5, 4 6, 4 7, 4 8. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बी क्रॉस डी। नाउ यू कैन क्लियरली सी 1 5 यहाँ है, 1 6 यहाँ है, 2 5 है एंड 2 6 है। तो बी ए क्रॉस सी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यहाँ मेंशन कर देना रीजन, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A cross C lies in B cross D. अब क्वेश्चन नंबर 8। A हमें गिवन है 1 2, B हमें गिवन है 3 4 और A cross B हमने लिखना है
बताइए क्या आएगा ए क्रॉस बी। हाँ 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4। हाँ जी 2 raised to power पी क्यू दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी लाइज इन या एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस सी लाइज इन द बी क्रॉस डी। सबसेट वाला रीजन लिख दोगे ना एवरी एलिमेंट लाइज इन दैट। हाँ जी अच्छा नंबर ऑफ क्या पूछा है उसने सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हो आप। वैसे अगर एक सेट के हमें निकालने होते थे हम क्या करते थे 2 raised to power ले लेते थे। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट्स उसने पूछे हैं ए क्रॉस बी के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2 बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गए 4। इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 2 raised to power 4 दैट इज 16। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यहाँ ये एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी 4 आ रहा था 2 raised to power 4 यानी कि 16 उसके सबसेट्स। और सबसेट्स को ही हम कह सकते हैं कि दे आर एक्टिंग एज द रिलेशन ऑल्सो क्योंकि सबसेट ही होते हैं वो उसके। तो नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 2 raised to power जो भी उनका दोनों का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज 2। If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements. x, y, z मतलब same नहीं है, ये अलग-अलग elements हैं, तो इनको आप individually treat करोगे as different elements. तो आपको set A और set B लिखना है. अब इसमें सभी elements नहीं दिए हुए, आपको ये ध्यान रखना. But इसके basis पे हम sets निकाल सकते हैं. आपको देखो क्या गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 गिवन है 2 मिनट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आपको क्या गिवन है 2 गिवन है यानी कि ए क्रॉस बी में योर एलिमेंट्स शुड बी 6 इन नंबर। हमें कितने गिवन है यहाँ पे 3 कौन कौन से एक्स वन वाई टू एंड जेड वन। अब फर्स्ट ए क्रॉस बी का आपने निकालना है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है That will belong to the first set. A को belong करेगा जो second element है that will belong to B. अब A के elements क्या बन जाएंगे X, Y, Z. 3 elements आ गए इसके तो total ये 3 given था B में कितने given है 2 तो B के कौन कौन से elements आ जाएंगे 1 and 2। यहाँ पे 1 की repetition हो गई no problem होनी ही है वो यहाँ से हमें इसके ये 2 elements पता got it? So question number 10 is kind of this only. इसी टाइप का है ये that you will try yourself. नहीं हुआ तो we will discuss that tomorrow. So if any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, I am ending the meeting. Question number 10 you will try at home. और इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है कशिश एंड पूरव थ्योरी इसकी अच्छे से करनी है MCQs के फॉर्म में कहीं से भी कुछ आपका आ सकता है. So thank you. Have a nice day.